पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में स्थित शहीद स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र जे रविंद्र गौड़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों ने स्मृति स्थल पर वीर शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार के द्वारा शहीद बलराम त्रिपाठी की धर्मपत्नी को शॉल देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कोरोना काल में फ्रंट लाइन ड्यूटी के दौरान मौत के शिकार हुए पुलिस वालों को भी शहीद माना गया। इसमें गोरखपुर के दो पुलिस कर्मियों का नाम शामिल करते हुए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें याद किया, जिसमें गोरखपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर बलराम त्रिपाठी और जीआरपी गोरखपुर में तैनात हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव का नाम शामिल रहा। बलराम त्रिपाठी कोतवाली सर्किल के एक चौकी के इंचार्ज थे और कोरोना की चपेट में आने के बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। वह सिद्धार्थनगर जिले के मूल निवासी थे। वहीं जयप्रकाश की गोरखपुर जीआरपी में तैनाती थी। कोरोना के दौरान एक अनुचर अशोक कुमार का भी निधन हुआ था, हालांकि फ्रंटलाइन ड्यूटी ना होने से उन्हें यह सम्मान नहीं मिल पाया। गौरतलब है कि पुलिस स्मारक दिवस लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में 1959 में चीन के आक्रमण की जवाबी कार्रवाई के दौरान मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 10 जवानों की याद में मनाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद बलराम त्रिपाठी के पुत्र पंकज त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जो शहीद हैं मैं उनके नंबर्स बताऊंगा। आंध्र प्रदेश से 11, अरुणाचल प्रदेश से 3, असम से 7, बिहार से 6, छत्तीसगढ़ से 22, हिमाचल प्रदेश से 4, झारखंड से 4, कर्नाटका से 18, मध्य प्रदेश से 15, मणिपुर से 3, मेघालय से 1, उड़ीसा से 9, पंजाब से 2, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 1, उत्तर प्रदेश से 4, उत्तराखंड से 3, वेस्ट बंगाल से 17, अंडमान से 2, चंडीगढ़ से 2, दिल्ली से 6,
जम्मू और कश्मीर से हमारे पास सबसे ज़्यादा इस साल शहीद हुए हैं, जिसमें करीब करीब हमारे पास 17 पुलिसकर्मी वहाँ से गए हैं, लद्दाख से 1, असम राइफल से 3, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और उसमें करीब 45 लोग शहीद हुए हैं, CISF से 8, CRPF से 80, CRPF से 80 लोग शहीद हुए हैं, ITBP से 45, NSG से 1, SSB से 5, NDRF से 1 और RPF से 8। उत्तर प्रदेश से जो 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनसे हमारे SICP श्री प्रशांत यादव, कांस्टेबल CP स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल CP स्वर्गीय श्री सोनू कुमार, कांस्टेबल CP स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह रहे हैं। इसी प्रकार हमने इस वर्ष कोरोना में भी अपने साथियों को लूज़ किया है, पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 147 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनमें से गोरखपुर के 2 हैं, स्वर्गीय श्री बलराम त्रिपाठी जी और हेड कांस्टेबल श्री जयप्रकाश यादव जी, ये 2 GRP गोरखपुर के थे और बलराम त्रिपाठी जी गोरखपुर जनपदीय पुलिस से थे। ये 2 साथियों ने हमें कोरोना से लड़ाई करते हुए हमारा साथ छोड़ा है।
आपकी सारे वो चीजें मिल गए, भुगतान हो गया। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। पंकज त्रिपाठी, हम लोग वहीं सिद्धार्थ नगर में जिनका नाम श्री बलराम त्रिपाठी था, वो बसंतपुर चौकी में चौकी इंचार्ज थे। पापा को कोविड हो गया था ड्यूटी में, ड्यूटी में नहीं, पापा को जैसे चौकी क्षेत्र में ही कोविड से रोकथाम के लिए लगाया गया था। तो 19 तारीख को उनका फ़ोन आया कि थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने जांच करवाया पैनेसिया हॉस्पिटल में, तो मालूम चला कि कोविड पॉजिटिव थे। फिर वहीं 19 तारीख को भर्ती करवाया हम लोगों ने, और 22 तारीख को पापा का देहांत हो गया। तो क्या सरकार से कुछ आपको सहायता राशि मिली है? सरकार से सर जो मतलब जो सरकारी राशियाँ हैं वो जैसे GPF हो गया, ग्रेजुएटी फंड हो गया, ऐसा मिला है। एक धनराशि जो 50 लाख की है अनुग्रह राशि, उसकी फाइल बन गई है, चली गई है, पर भी पैसा नहीं आया खाते। आज पुलिस स्मृति दिवस में पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारे पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और यहाँ तमाम जनपद के अधिकारी आगण एकत्रित होकर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने।